शाहरुख खान की मूवी 4 साल बाद थिएटर्स के अंदर लग चुकी है पठान। वेट इसके लिए काफी ज्यादा हो रही थी, इसको लेके कॉन्ट्रोवर्सीज भी काफी हुई और इसकी हाइप भी बहुत ज्यादा थी। तो क्या ये पठान मूवी इन सारी चीजों को पूरा करने में सक्सेसफुल हुई? सुबह 7 बजे का फर्स्ट डे फर्स्ट शो देखने के लिए 5:30 बजे उठाऊ तो उसके लिए एक सब्सक्राइब करना बनता है, कर दो भाई, पठान के नाम पे ही सही मिलियन हो जाए। तो देखो, पठान मूवी की स्टोरी 2 कैरेक्टर्स के आसपास घूमती है। पहला है पठान प्लेड बाय शाहरुख खान और दूसरा जिम प्लेड बाय जॉन अब्राहम। हाँ, पूरी की पूरी पिक्चर इन दोनों के ही बारे में है कि किस तरीके से उनकी मुलाकात होती है, कितनी लड़ाइयां वो लोग लड़ते हैं और कितने बार जॉन अब्राहम का कैरेक्टर पठान को जिंदा छोड़ देता है। एक चीज जो मैंने इसकी स्टोरी में एक्सपेक्ट नहीं करी थी कि उन्होंने आइडियोलॉजीज डाली है भाई, जिसके कारण जॉन अब्राहम का जो विलन है इस पिक्चर के अंदर उसको एक अच्छा खासा मोटिवेशन और इमोशनल डेप्थ मिलता है। मूवी के अंदर ही एक डायलॉग है जो इस सारी चीज को अच्छी तरीके से समराइज कर देता है कि एक सोल्जर ये नहीं पूछता कि उसके देश ने उसके लिए क्या किया, बल्कि वो ये पूछता है कि वो अपने देश के लिए क्या कर सकता है। तुमको अगर चूज करना हो अपनी फैमिली या वाइफ और कंट्री तो किसको चूज करोगे? पॉजिटिव चीजें बता रहा था इसकी, लेकिन अगर नेगेटिव की बात करनी हो तो जिस तरीके से इसने अपने स्टोरी को स्ट्रक्चर किया है, ऑलमोस्ट पहला पूरा हाफ अपने को फ्लैशबैक दिखाया है। अपने आप में ये कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन अगर तुमको उस फ्लैशबैक का एंड पहले से पता है, पिक्चर के स्टार्टिंग में ही दिखा दिया, तो बहुत सारी चीजें प्रिडिक्टेबल हो जाती हैं। और यही फ्लैशबैक वाली चीजें इंटरवल के बाद भी कंटिन्यू होती है, लेकिन उसके 10 मिनट में ही जो एक चीज हुई, इधर ही बड़ी स्माइल आ गई भाई फेस पे। क्या है वो मैं नहीं बताएगा क्योंकि स्पॉइलर नहीं देता हूँ, लेकिन तुम लोग जज कर सकते हो कितना खुश है मैं वो देखकर। बहुत बार ऐसी चीजें प्योर फैन सर्विस के लिए की जाती है और स्टोरी के अंदर उसका कुछ ज्यादा लेना देना नहीं होता। यहाँ पर भी वो फैन सर्विस है, लेकिन देखकर मजा आया तो एफ एवरीथिंग एल्स। क्या फर्क पड़ता है जब तुमने पैसे दिए और उस पैसे का पूरा मजा मिल रहा है? तो एक्टर्स के काम में कोई भी कमी नहीं थी, शाहरुख खान ले लो, दीपिका पादुकोण या फिर लेकिन एक चीज मेरे को पसंद आई कि जॉन अब्राहम के विलेन को कितना ज्यादा वेट दिया है इसके अंदर, क्योंकि तुमको भी देखकर शॉक लग सकता है कि उसने कितनी बार कूट दिया है पठान को पिक्चर के अंदर। लेकिन तुमको और मुझे भी पता है कि ये मूवी अगर देखने जा रहे हैं तो क्यों जा रहे हैं। पहला रीजन शाहरुख खान, अगर तुम उनके फैन हो तो जाके मूवी देख सकते हो। दूसरा इसका एक्शन, और भाई कितना सारा एक्शन डाला है, ट्रेलर देख के अंदाजा लग रहा था और वो पिक्चर के अंदर भी है। लाइक लिटरली बहुत बार जरूरत नहीं होती लेकिन फिर भी एक्शन डाला है। क्वांटिटी तो बहुत ज्यादा देखने मिल जाएगी, लेकिन उसकी क्वालिटी में 100% परफेक्ट नहीं बोलूंगा, थोड़ा थोड़ा करके सब कुछ डाल दिया। कूल वाले मोमेंट्स थोड़े हैं, स्टैंडर्ड वाली फाइट कोरियोग्राफी भी थोड़ी दिख जाएगी, थोड़े मोमेंट्स काफी ज्यादा चौपी है, समझ में नहीं आता क्या हुआ, थोड़े ऐसे भी जिसपे तुम चिल्लाओगे सिटी मारोगे, और थोड़े ऐसे भी जिसके अंदर लगेगा कि व्हाट द क्या हुआ, ये क्या कर रहे हो तुम। एक्शन के अंदर नॉट सो इम्प्रेसिव वाली स्पीड रैंपिंग नोटिस हो जाती है और काफी सारे सीन्स को या तो कट कर दिया है या फिर बहुत ज्यादा जूम जो कंट्रोवर्सी क्रिएट कर रहे थे। बेशरम रंग तुम्हारी बात कर रहा हूँ। अब पिक्चर के अंदर जब इतना सारा एक्शन भर भर के डाला है तो इसका VFX भी काफी ज्यादा इम्पोर्टेंट हो जाता है, जिसको ओवरऑल में ठीक ठाक काम निकालने जितना बोलूंगा, क्योंकि बहुत बार सीन्स को इतना छोटा रखा गया है ना कि उनके अंदर के इम्परफेक्शंस तुम नोटिस ही ना कर पाओ। टॉप लेवल की कोई इम्प्रेसिव चीज देखने नहीं मिलती, लेकिन वो काम चला देती है, तुम्हारा मूड तो खराब नहीं करेगी। आदि पुरुष क्या करूं, दिन में 2 बार जब तक आदि पुरुष का नाम ना लूं खाना हजम नहीं होता है। फाइनल वाला कंक्लूजन देने से पहले पोस्ट क्रेडिट सीन की बात कर लेते तो हाँ, पिक्चर खत्म होने के बाद थोड़ी देर रुक जाना, उसके अंदर कुछ न्यू इन्फॉर्मेशन तो प्रोवाइड नहीं करिए, क्योंकि यशराज फिल्म्स का जो स्पाई यूनिवर्स है उसको ऑलरेडी कंफर्म कर दिया है और फ्यूचर को लेके क्या पॉसिबिलिटीज हो सकती है उसको पिक्चर खत्म होने से पहले ही बता देते हैं। लेकिन फिर भी मिड क्रेडिट सीन के अंदर क्या मजे लिए अपने ऑडियंस के, और अगर तुम उम्मीद लगा के सारे क्रेडिट्स देख कर रुक जाते हो कि भाई पोस्ट क्रेडिट में कुछ देखने मिल जाएगा, तो कुछ नहीं है। फाइनल वर्डिक्ट, ओवरऑल जो एक्सपेक्टेशंस थी मूवी से वैसी ही निकली है, कुछ बहुत ज्यादा ग्राउंड ब्रेकिंग सिनेमा को आगे ले जाने वाली एक्सेलेंट मूवी नहीं देखने मिलती। हाँ, लेकिन तुमको एक मूवी थिएटर के अंदर देखनी है, उससे एक्सपेक्टेशंस तुमको ज्यादा चाहिए, स्टोरी और लॉजिक थोड़ा कम भी रहा चल जाएगा, ऐसा माइंडसेट है तो जाके ये मूवी देख सकते हो। ओवरऑल एक ठीक ठाक अच्छा वाला एक्शन देखने मिलेगा, डायलॉग बाजी होगी, कॉमेडी होगी, हीरो होगा, हीरोइन होगी, विलन होगा, सारी चीजें हैं पठान के अंदर। और अगर तुम सोच रहे हो कि इसको फैमिली के साथ देखे या नहीं देखे तो देख सकते हो, काफी क्लोज है लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। फ्लॉज डेफिनेटली है मूवी के अंदर, लेकिन अगर मजा चाहिए तो मजा दिलाएगी, और मजा चाहिए वीडियो खत्म होने के बाद भी तो मैं मिल जाऊंगा इंस्टाग्राम पे और अगली वीडियो में भी। जय हिंद, वंदे मातरम।